आखिरी टीम कौन होगी, सरस्वती स्कूल राइट या सनराइज इंटरनेशनल स्कूल। इन दोनों में से जो जीतेगा वो दूसरे सेमीफाइनल को खेलेगा। तो ये है चौथे क्वार्टर फाइनल में खेलने वाली पहली टीम, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल असावरपुर राई। और जिस तरीके की कबड्डी परोसी है पहले तीन क्वार्टर फाइनल्स में इन बच्चों ने, संजय दादा बहुत जबरदस्त, काबिले तारीफ। और ये चौथा सेमीफाइनल भी उतना ही जबरदस्त होगा, यही हम उम्मीद लगा सकते हैं। तो सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टार्टिंग सेवन लक्ष्य, गौरव, दीपांशु और नवीन पर ध्यान देना होगा, मनीष और तनुज के साथ है। स्वागत है दूसरी टीम का इस चौथे क्वार्टर फाइनल में, सनराइज इंटरनेशनल स्कूल। 10 साल पुराना ये स्कूल है दादा, लेकिन एकेडमिक्स और खेल पर उतना ही ध्यान। और इन बच्चों के लिए केवीडी जूनियर्स सोनेपत सिटी फाइनल्स में खेलने का ये जो एक्सपीरियंस होगा, ये जो अनुभव होगा, बहुत ही लाजवाब। फर्स्ट सेवन आदित्य, दीपांशु, सागर, अरुण, गौरव बेदी, चेतन और तनिष्क चौहान। कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट है जो लगातार डेवलप कर रहा है और अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं टीमों की, और उस हिसाब से इन्होंने ये फैसला किया है। तो सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल असावरपुर राई इस समय कोर्ट के ऊपर, उनके सामने है सनराइज इंटरनेशनल स्कूल। सरस्वती स्कूल राय ने अपना खाता तो खोल दिया है बोनस पॉइंट के साथ, और यहाँ टच पॉइंट का दावा, लेकिन दावा सही साबित होता हुआ। सागर शर्मा अच्छा बोनस लेकर के गए, अच्छे रेडर हैं सागर, और इन्हें भी कमतर नहीं आंका जा सकता, इनका नाम तनुज है। रणनीति बिल्कुल सही, आपके स्पेशलिस्ट भेजिए, स्ट्रेच कीजिए, किक लगाइए, वापस आइए। सागर शर्मा एक बार फिर रेड पर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टैकल करने के लिए गए लेकिन आधे अधूरे मन से। यहाँ कोशिश थी डिफेंस की, लेकिन अकेले ही निकल गए राइट कॉर्नर से, दो पॉइंट लेकर वापस लौटे हैं। सागर शर्मा की आप जितनी तारीफ करें उतना कम, कद काठी कोई बहुत जबरदस्त नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चे भी बहुत जल्द सीख जाते हैं, देखिए क्या ब्लॉक किया और डिफेंस का सपोर्ट भी आ गया। पहला टैकल पॉइंट, दो पॉइंट की बढ़त सनराइज के पास, सनराइज इंटरनेशनल स्कूल के पास है। डाइव लगाई और ये जबरदस्त रेड हो सकती है, मिड लाइन के काफी करीब राइट कॉर्नर ने डाइव लगाई दादा। जो जीतेगा, जो टीम जीतेगी उसके घर में आज खीर बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। ये आखिरी रेड होगी हाफ टाइम के पहले, सागर शर्मा क्या कॉन्फिडेंस, क्या संयम। और सनराइज इंटरनेशनल स्कूल को मिलता हुआ ये पॉइंट, और हाफ टाइम तक दोनों ही टीमें बराबरी पर, 15-15 की बराबरी। 12 पॉइंट्स गौरव दलाल के, 14 पॉइंट्स सागर शर्मा के, और नतीजा पहले हाफ में दोनों टीमें 15-15 की बराबरी पर। 15 पॉइंट्स टीम ने बनाए, 12 उसमें गौरव के हैं, और अगर आप दूसरी टीम की कहानी देखें तो पूरी टीम में सनराइज ने 15 पॉइंट्स बनाए, 14 उसमें सागर शर्मा के हैं, तो यानी कि दो सितारों पर टिकी हुई हैं ये दोनों टीमें। यहाँ पर मोमेंटम के साथ अपने आप को झोंक दिया, एक नहीं दो नहीं तीन, एक बोनस और दो पॉइंट, यानी कि सुपर रेड। और देखिए छोटी हाइट बड़ी फाइट,
उसका एक द परफेक्ट एग्जाम्पल है ये प्यारा सा बच्चा आदित्य जो कि आउट होकर बाहर चला गया है और इसके साथ ही ऑल आउट हो गए सनराइज यानी के 3 पॉइंट्स उन्होंने गिफ्ट में दे दिए हैं। दो पॉइंट मिले सनराइज को। सागर शर्मा एक बार फिर और इस बार सागर शर्मा ने कमाल कर दिया। क्या ये सुपर रेन है या दो पॉइंट्स? यानी के सुपर रेड सागर शर्मा जबरदस्त प्रदर्शन। तेजी देखिए रेड में और इस बार छलांग लगाने की कोशिश की थी। 1 पॉइंट सनराइज इंटरनेशनल। घुटने पर बैठे उछलते हुए दोनों पैरों को अपने हाथ में कैद कर दिया। ये बाजी एक एक से बराबर और अब यहां सरस्वती स्कूल राय ऑल आउट के खतरे से टकराते हुए हेडलाइन से बाहर निकल गए। अब बचा एक तो क्या तस्वीर फिर बदलेगी क्योंकि अब 3 पॉइंट्स मिल सकते हैं इस समय सनराइज को। ऑल आउट हो गए टच कर लिया। और एक और जबरदस्त रे सागर शर्मा की 2 पॉइंट लेकर लौटे हैं सनराइज इंटरनेशनल स्कूल की धमाकेदार वापसी। सागर शर्मा 3 खिलाड़ी सामने सुपर टैकल ऑन और सागर शर्मा जिस तरह के रेडर हैं कोई हैरत नहीं कि वो निकल जाए। अब भी मौका अब भी कोशिश लेकिन ये टैकल हो गए सागर शर्मा। सुपर टैकल के 2 पॉइंट्स मिल गए सरस्वती स्कूल राय को। मुकाबला आ गया बराबरी पर 30-30। 2 पॉइंट की बढ़त है 30 सेकेंड रह गए हैं लेकिन गौरव दलाल है सुपरस्टार सरस्वती स्कूल राय के। सरस्वती स्कूल 25 सेकेंड बाकी 33-33 33-33 गौरव दलाल सरस्वती स्कूल राय के खिलाड़ी उनके पास मौका था लेकिन क्या शानदार टैकल सनराइज इंटरनेशनल स्कूल का। तो सनराइज इंटरनेशनल स्कूल अब 2 पॉइंट से आगे हो गए हैं। ये आखिरी रेड सनराइज लीड कर रहे हैं। सागर शर्मा रेड पर हैं। आप कितने भी घूम लो कितना भी बच लो सनराइज के खाते में। सागर शर्मा का जहां तक सवाल है 24 रेड पॉइंट। जिस तरह से सेमीफाइनल लाइनअप पूरी तरह से तैयार हो चुका है 5 पॉइंट से सनराइज ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई।